बाबा जुमदेव जी यह विदर्भ के एक महान समाज सुधारक संत थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन, व्यसन मुक्ति, समाज निर्मिति, बाल विवाह व दहेज ऐसी प्रथाओं को बंद कर मानवता की शिक्षा देकर समाज आत्मज्ञान की उदात्त क्रिया सामाजिक यह परिवर्तन के लायक था। उसके लिए उनके जयंती पर 3 अप्रैल को राज्य में सरकारी छुट्टी जाहिर करने के विषय में लगातार मांग हो रही थी। उस मांग को देखते अब जिलाधिकारी सार्वजनिक छुट्टी जाहिर करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, इन्होंने भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली व वर्धा इन जिलों में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनके जयंती पर सरकारी छुट्टी जाहिर करने के लिए मांग की थी। उनकी मांग की दखल लेकर शासन ने 24 जनवरी 2020 के अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र मिला। इस पत्र में विभागीय आयुक्त नागपुर इनकी कार्य क्षेत्र में आने वाले जिलों में का भुगतान किया जाना है। 16 जनवरी 1958 के शासन निर्णय के तरतुद अनुसार व वहाँ की परिस्थिति को ध्यान में रखकर विभागीय आयुक्त इन्होंने संबंधित जिलाधिकारी इनसे चर्चा कर स्थानिक छुट्टी देने के संदर्भ में निर्णय उनके स्तर पर लिया जाएगा। ऐसा आदेश प्राप्त होने से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनके जयंती के दिन 3 अप्रैल को सरकारी छुट्टी जाहिर की जाएगी। इस निर्णय से असंख्य अनुयायियों को एक प्रकार से दिलासा मिला है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे।